दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और मुद्दा कहीं ना कहीं से तो बनाना है। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग का समर्थन कर लिया तो इन लोगों के लिए एक और नया मुद्दा बन गया कि राजनीति के लिए केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। केजरीवाल खुद अपना पैसा इस शाहीन बाग के धरने को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उनकी निजी राय है, वो अपना निजी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये लोग टांग अड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इन्होंने मांग की है कि शाहीन बाग जैसे दिल्ली के अलग थलग इलाकों में हो रहे सभी धरने और प्रदर्शन का खर्च आम आदमी पार्टी के स्थानीय कैंडिडेट्स के प्रचार खर्च में जोड़ा जाए। भूपेंद्र यादव का कहना है, हमने चुनाव आयुक्त को आम आदमी पार्टी के नेताओं के भाषण की सीडी और तमाम प्रूफ दिए हैं, जिसमें वो लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के धरने के साथ है। उनके स्थानीय कैंडिडेट्स धरने में शामिल होते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत थर्ड पार्टी प्रचार करवाने पर खर्च सीधा स्थानीय कैंडिडेट के प्रचार खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि चुनाव से पहले शाहीन बाग को मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है, ना कि वो। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग से उन्हें लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उनके नेता शाहीन बाग के प्रदर्शन के साथ खड़े नजर आते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों को चुनावी मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी पर कई सवाल दागती हुई नजर आ रही है। SBN 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।